विराट कोहली विराट बढ़िया उसे पता लग गया रन कैसे बनाने हैं हम्म हाँ। आप लोग तो रणजी दिनों में खूब खेले हैं मुझे तो वो हाँ। ये गाजियाबाद वाले स्टेडियम में मैच था दिल्ली का और आपका हाँ नहीं हाँ नहीं।, नहीं उसे पता लग गया रन कैसे बनते हैं रन कैसे बनाना है हाँ। हाँ तभी तो इतना ऊपर पहुंच गया वो शरीर पे काम हाँ शरीर पे काम खाना कैसा खाना है, क्या खाना है क्या खाना है। तो उसके अंदर रम गया वो, वो चीज, उनसे तो कभी आपका झगड़ा हुआ ग्राउंड पे कि नहीं? ना कभी नहीं खाना नहीं, नहीं रणजी भाई अपना छोटा छोटा भाई है। <laughs> और गौतम गंभीर गौतम भाई बड़े गौतम भाई बड़े भाई हाँ। उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती कोई नहीं बड़ा छोटे को डांट ले एक ही बार कोई बात नहीं तो बड़े हैं डांट सकते है, कोई बात नहीं आपको कोई डांट सकता है मैं ही डांट सकता हूँ जी अपने आप को बस <laughs> आपको मैं नहीं अपने आप से डरता हूँ अच्छा बताइए जरा कैसे ऐसे में कुछ गलत ना हो जाए <laughs> <laughs> नहीं, नहीं। बड़ों की बात माननी चाहिए किसी किसी खिलाड़ी को आपने बड़े भाई का हक दिया है कि ये कैसा आदमी है जो मुझे डांट सकता है कुछ भी कह सकता है नहीं सारे हैं सारे हैं जो, जो मेरे सीनियर हैं बड़े हैं मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ कोई भी हो कोई भी हो चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है चाहे बाहर वाले लोग हैं जो मेरे से बड़े हैं रेस्पेक्ट मोहम्मद शमी से बात मुलाकात होती मोहम्मद शमी मिला था बहुत पहले कैलकाटा में मिला था हुँ. एक बार अभी मिला था उधर एक शादी थी तो तीन साल पहले उसके हाथ में भी अलग कला है वो भी सीख गया क्या कला है बॉल कैसे घुमानी है कैसे कैसे स्विंग कराना है कैसे आउट करना है जिस बॉलर को ये पता लग गया कि तुझे इसको ऐसे आउट करना है वो बॉलर बन गया और जिसे ये पता लग गया तुझे रन कैसे बनाने हैं कैसे बनने हैं तो आपका कोई फेवरेट शिकार था आपको पता था ये आया इसको तो पटक लूंगा कोई ऐसा बेटर डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में कि इसको तो क्या-क्या आउट कर लूंगा भाई सब बहुत बहुत ऐसा बहुत जैसे जैसे कुछ आपके पुराने चाहने वालों ने कहा कि रिकी पोंटिंग बड़े उस्ताद माने जाते थे बाउंस खेलने के उनको आपने खूब परेशान आउट, किया आउट किया हां मैंने भी आउट किया मुझे भाई साहब पता लग गया था कि विकेट कैसे लेना है कैसे आउट करना है इसको कहाँ पे डालना है कहाँ पे क्या करना है तो। जी। मन तो अभी भी ऐसे ही करता है हाँ आउट कर दूंगा शरीर ही नहीं जा, जाता शरीर दिमाग में रहता है शरीर हाँ हाँ तो हो जाता है क्योंकि मैं वो करते नहीं ना उतने उतनी फिटनेस नहीं करते कई लोग कहते हैं ऐसे देव वगैरह को हम लोग सुनते हैं कि पुराने जमाने में तो बड़ा फिटनेस रहती थी लगातार इतने टेस्ट और आजकल इतनी जल्दी जल्दी इंजरी होती है क्या वजह है भाई साहब क्रिकेट बढ़ गया ना क्रिकेट कितना क्रिकेट बढ़ गया बताओ

लगातार एक घंटा डेढ़ घंटा कोई बॉलिंग नहीं कर रहा सब छह ओवर फेंक लिया मैं बॉलर बन गया आप लोग कितना फेंकते थे लगातार मैं तो फेंकता था डेढ़ घंटा एक घंटा नेट्स में हाँ जी हाँ आप टेस्ट मैच में लंबा स्पेल कैसे फेंक दोगे फिर जब तक आप लंबी रनिंग नहीं करोगे सांस नहीं आ, मतलब सांस नहीं आएगा तो दम नहीं घल आएगा तो नहीं हो पाता वो चलिए क्रिकेट बढ़ गया पैसा भी बढ़ गया है हाँ आपके पास कोई इश्तेहार वगैरह आते थे लोग कि इस चीज़ का ऐड कर दो ऐड किए हैं आपने कुछ ऐड हाँ, फिल्म हाँ में? जी करें किस तरह के प्रोडक्ट किए पेप्सी का करा था एक बारी अच्छा उसमें चार पांच लोग थे हाँ मैं था मैं ईशान माही भाई रॉबिन और कौन था एक और था कोई तो बड़ा प्रेस्टिजियस एड माना जाता होगा इतनी बड़ी कंपनी का मिले हाँ जी ये चलता रहता है भाई सब तो क्या खिलाड़ियों के साथ ये तो ठीक है कई तो लोग ये भी कहते हैं कि जब क्रिकेटर अपनी पीक पे हो या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन तो उसे अपनी वेल्थ का मैनेजमेंट उस समय खूब हाँ पैसा हाँ, आ रहा है हाँ. वो बहुत अकल से करना चाहिए क्योंकि अभी बल्ला चल रहा है गेंद चल रही है अभी आ रहा है पैसा फिर आगे हो सकता है आए ना आए तो आपको कोई ये सलाह देने वाला था कि प्रवीण कुमार तुम अपने पैसों का सही निवेश करो हाँ जी मेरे पिताजी बेटा इसमें ऐसा कर इसको ऐसा कर लियो उसको ऐसा कर लियो मेरा भाई बड़ा भाई वही मैनेज करते हैं जी मिचेल स्टार्क से जो उन्होंने उमंग ने जो सवाल पूछा उसमें मिचेल स्टार्क का भी नाम लिखा है ऐसे ही तमाम किस्सों कहानियों और मजेदार वीडियोस के लिए स्पोर्ट्स के यूट्यूब फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब लाइक और फॉलो करें